श्रावणी उस बच्चे को हाथ में लिए जोर जोर से हंस रही थी। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में सनसनाती हुई सिसकियां भरती हुई हवा में अपने ही अंदर जी रही आत्माओं के काबू में आई श्रावणी मौत का पैगाम लेकर आई थी। और वो मौत थी उस नन्हे से बच्चे की। चंदनलाल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रो कर श्रावणी से भीख मांग रहा था कि वो उसके पोते को छोड़ दे। वो भागकर श्रावणी से अपने पोते को वापस छीन लेना चाहता था, मगर योगी अमृत ने उसे पकड़ कर रखा था। वो उससे कह रहे थे कि राय बहादुर पर भरोसा रखो, वो श्रावणी को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। राय बहादुर धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, श्रावणी को ध्यान से देख रहे थे। उसके दाहिने कान में उनकी पहनाई हुई सोने की बाली अब भी थी। इसका मतलब ये था कि वो आत्माएं उस बच्चे को मार नहीं सकती थीं। तो फिर इतनी भयानक भूमिका किस लिए? राय बहादुर छत पर आए और उन्होंने छत की बन्नी के कोने पर खड़ी अपने डरावने रूप में मौत की हंसी हंस रही श्रावणी को देखा और उससे कहा, जब हमने तुम सबको इस सोने की बाली से बांध दिया है, तुमसे ये साफ साफ कहा है कि अगर तुमने श्रावणी को या किसी को भी मारने की या दर्द देने की कोशिश की तो श्रावणी के शरीर में रहते रहते ही तुम नर्क भोगोगे, तो तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को हाथ लगाने की? क्या तुम सब भूल गए हो कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? राय बहादुर की डरा देने वाली चेतावनी और उनके माथे पर पड़ रहे बल देखकर उन दुष्ट आत्माओं ने हंसना बंद किया। राय बहादुर को श्रावणी की आग उगलती लाल आंखों से घूरा और उस बच्चे को बाएं हाथ में लेकर हवा में लटकाया और चीख कर कहा, हम सब तो 300 साल से जानते हैं राय बहादुर तेज प्रताप सिंह कि तू क्या कर सकता है। हम सब ये भी जानते हैं कि तूने हमारी काली शक्तियों को शादी होने तक इस लड़की के कान में पहनाई हुई सोने की बाली में बांध दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस गांव में सब बर्बाद नहीं कर सकते। तू हम सबको बांध सकता है क्योंकि हम श्रावणी के शरीर में है, पर रागिनी उस चंदन लाल की कुलटा बहू और इस बच्चे की माँ, उसे कैसे रोकेगा तू? तो बस जो हम नहीं कर सकते वो करने के लिए हम उसे बुला लाए। तुम सब इस बच्चे की माँ की आत्मा को बुला लाए? हाँ राय बहादुर साहब, जब माँ इस दुनिया में नहीं रही तो ये अनाथ बच्चा इस दुनिया में रहकर क्या करेगा? बस इसीलिए हम इसकी माँ की आत्मा को मौत के अंधेरों से जगा कर ले आए। अब तू रागिनी को इसे ले जाने से रोक सकता है तो रोक के दिखा। देखते ही देखते श्रावणी के कंधों पर दो खून से सने हाथ उसकी पीठ से चढ़ते हुए उसके कंधों तक आए, फिर उसके सर के पीछे से रागिनी के आधे कटे हुए सर ने झांका और फिर रागिनी ने अपने बच्चे को देखकर दर्द से चीख मारी और श्रावणी के कंधों पर चढ़कर अपने बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी का रोना दर्द भरा भी था और डरावना भी। एक आधे कटे सर वाली, उल्टे पैरों वाली, सफेद आंखों वाली, बहते खून से सनी औरत श्रावणी के कंधों पर बैठकर रो रही थी, मातम मना रही थी। उसने श्रावणी के हाथों में अपने रोते हुए बच्चे को देखा और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना? मैं साथ ले जाऊंगी इसे। ला श्रावणी, मेरा मुन्ना मुझे दे, ये मेरे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ लाडो, ले ले जा अपने बच्चे को अपने साथ। अजर ने वापस आके तेरे मुन्ने का भी गला काट देना है और तेरा ससुर न बचा सकेगा तेरे मुन्ने को। तुझे कौन सा बचा लिया उसने? उसके सामने ही तेरे पति ने तेरा गला काट दिया। जा जा लाडो, ले ले जा अपने लाल को अपने साथ, ले जा। रागिनी, ये अनर्थ न कर बहू, छोड़ दे मुन्ना को। बावरी तू मर चुकी है पर ये जिंदा है, तू माँ होकर इसे कैसे मार सकती है? छोड़ दे उसे बहू, होश में आ और वापस चली जा। योगी अमृत, कुछ करो, ये बांवरी मेरे पोते को साथ ले जाएगी। चंदनलाल, रागिनी की आत्मा श्रावणी के शरीर में बस रही आत्माओं के वश में है। अगर रागिनी को कोई वापस भेज सकता है तो वो ये आत्माएं ही हैं और उन्हें सिर्फ राय बहादुर ही मना सकते हैं।
उन्हें सिर्फ राय बहादुर ही मना सकते हैं। चुप कर योगी अमृत, नहीं तो यहीं से छलांग लगाकर तेरे कंधे पर आ बैठूंगा और तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। हम क्यों भेजने लगे रागिनी को वापस? अरे ये कुलटा अपने इस बाप के जने को साथ लेकर जाएगी, तभी तो श्रावणी होश में आकर अपने आप को पापन समझेगी, पगला जाएगी और इस राय बहादुर से शादी नहीं करेगी। तुम सबके ये इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अगर रागिनी अपने बच्चे को मरवा कर साथ ले भी गई, तो भी श्रावणी को होश में आने के बाद कुछ याद नहीं रहेगा, हमेशा की तरह। योगी के बच्चे 200 साल का हो चुका है तू, और तुझे इतना भी नहीं पता कि भूत प्रेत सिर्फ भयानक और बेरहम नहीं होते, कपटी भी होते हैं। हम ठीक उसी वक्त श्रावणी का दिमाग आजाद कर देंगे जिस वक्त रागिनी अपने लाल को लेकर जाएगी, तो श्रावणी को कैसे याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कर दिया है। चल रागिनी, पकड़ अपना ये पाप का बीज और धरती का बोझ कम कर। राय बहादुर चुपचाप अपने सामने हो रहे इस खौफ और मौत के नाच को देख रहे थे। श्रावणी पर राज कर रही आत्माएं श्रावणी के हाथ से एक घोर पाप करवाने जा रही थी। रागिनी एक अतृप्त आत्मा, एक बच्चे से दूर की गई माँ, मोह में अंधी होकर अपने ही बच्चे की जान लेने पर उतारू थी। अगर राय बहादुर ने कुछ नहीं किया तो न सिर्फ वो मासूम बच्चा मारा जाएगा, श्रावणी के निष्पाप दिमाग में हमेशा के लिए ये नजारा बैठ जाएगा। वो अपना मानसिक संतुलन खो देगी, और उसके बाद अगर उसने राय बहादुर से शादी कर भी ली तो जो लक्ष्य वो इस शादी से साधना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगा। राय बहादुर के पास सोचने का वक्त नहीं था, पर वो जानते थे कि उन्हें अब क्या करना है। राय बहादुर आगे बढ़े और बन्नी पर चढ़कर श्रावणी और उसके कंधे पर बैठी अपने शिशु को सहलाती और मौत की तरफ ले जाती रागिनी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने श्रावणी की आंखों में हंस रही उन 100 आत्माओं को देखा और कहा, ठीक है रागिनी, ले जाओ अपने बेटे को अपने साथ। कैसे लेकर जाओगी? छत से फेंक कर इसके नन्हे शरीर के टुकड़े करोगी, या उन्हीं हाथों से इसका गला घोंट दोगी जिनसे इसे दूध पिलाया था? बताओ ना रागिनी, हम जानना चाहते हैं कि तुम ऐसे देख सकोगी कि जिस तरह तुम मरने के बाद एक अशांत आत्मा की तरह धरती और आकाश के बीच भटक रही हो, अपने बेटे को अपने हाथों से उस चक्र में कैसे धकेल सकोगी। बेटे के मुंह में अंधी होकर तुम ये भूल रही हो कि तुम भी उसके साथ वही करने जा रही हो जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ किया था, बेरहमी से मौत के घाट उतारना। राय बहादुर की बात सुनकर रागिनी की सफेद आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका आधा कटा सिर ममता के एहसास के मारे कांपने लगा। उसने अपने खून से सने हुए हाथों में रो रहे बेटे को ऐसे देखा कि जैसे उसे अभी अभी होश आया हो, उसकी निद्रा टूटी हो। वो श्रावणी के कंधे से रेंगते हुए नीचे उतर आई और अपने बच्चे को हाथों में उठाकर उसकी नन्ही आंखों में देखने लगी। श्रावणी के अंदर से बोल रही आत्माएं गुस्से से बिलबिला उठी। श्रावणी चीख उठी, क्या सोच रही है रागिनी? बाहर से ले चल इसे अपने साथ, जिंदा दुनिया में ये सिर्फ बदनामी की ठोकर खाएगा, क्योंकि ये नाजायज है। इस राय बहादुर की बातों में आकर पागल मत बन, हम तुझे जीवन मृत्यु के दूसरे कोने से बुलाकर इसलिए नहीं लाए कि तू इस धोखेबाज राय बहादुर की बातों में आ जाए। ये तुझे भटका रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है ये, इसके जाल में मत फंस। चंदन लाल का रो रो कर बुरा हाल था। वो चिल्ला चिल्ला कर रागिनी से भीख मांग रहा था कि अपने ही हाथों से अपने बेटे को न मारे। वो ये वादा कर रहा था कि वो अपने पोते को पूरे सम्मान और अधिकार के साथ पालेगा, उसे कभी ये पता नहीं लगने देगा कि वो अजर का बेटा नहीं है। योगी अमृत ने चंदन लाल को थामे रखा था, मगर वो आंखें मूंद कर रागिनी को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। श्रावणी के अंदर की आत्माएं पागलों की तरह रागिनी को झकझोर रही थीं। हवा की तेज सनसनाहट में उनकी चीखें रागिनी से बार बार कह रही थीं कि वो अपने बेटे को छत से नीचे फेंक दे। राय बहादुर एकदम शांत खड़े थे, जैसे कि वो जानते हों कि अब क्या होने वाला है, और जो वो सोच रहे थे वही हुआ। रागिनी के अंदर की मोह और बेचैनी में अंधी हो चुकी माँ
चुपचाप बैठ गई और उसकी चेतना, उसका जमीर जागा। उसे एहसास हुआ कि वाकई में वो अपने बेटे के साथ वही करने जा रही है जो उसके साथ हुआ। वो अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने जा रही है। उसके नन्हे से कोमल से शरीर से उसकी अबोध आत्मा को खींचने जा रही है। रागिनी दोष की भावना से भर उठी और उसके अंदर से एक माँ का रोना निकला। उसने तुरंत अपने बच्चे को राय बहादुर को दे दिया और चीख उठी, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी। मैं अपने ही हाथ अपने लाल के खून से कैसे रंग सकती हूँ। उसे साथ ले जाने के लिए उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे के साथ वो नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ। श्रावणी गुस्से और हार के एहसास से एक कर्कश औरत की आवाज में बिलबिलाते हुए, कुलच्छिनी, जीते जी तो तू अपने पति की सगी हुई नहीं और मरने के बाद हमें भी धोखा दे रही है। तुझे हमने तेरे बेटे को साथ ले जाने के लिए बुलाया था, इस राय बहादुर की बातों के जाल में फंसने के लिए नहीं। भटक अब इस हवेली में, हम तो तुझे वापस भेजने से रहे। जीते जी तो मैं पापन थी ही, मगर अब अपने बेटे के खून से अपने हाथ रंग कर मरने के बाद और पाप नहीं करूंगी मैं, और न ही इस हवेली में भटक कर मैं अपने ससुर और अपने बेटे की जिंदगी खराब करूंगी। तुम सब मुझे जहाँ से खींच कर लेकर आए हो, अगर तुम मुझे वहाँ वापस न भी भेजो तो भी मैं इस हवेली पर अपना साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए रागिनी ने श्रावणी को अपने रास्ते से हटाने के लिए धक्का दिया और वो छत से कूद कर हवा में गायब हो गई। पर श्रावणी का पांव फिसला और वो बन्नी से गिरने लगी। राय बहादुर चिल्लाए, श्रावणी नहीं। श्रावणी ने किसी तरह बन्नी का छोर पकड़ा और राय बहादुर ने तुरंत बच्चे को चंदन लाल के हाथ में देते हुए श्रावणी का हाथ पकड़ा। श्रावणी के अंदर की आत्माएं गायब हो चुकी थी और अब वो फिर एक मासूम डरी हुई 18 साल की लड़की थी जो हाथ फिसलने पर अपनी जान गंवा सकती थी। उसने अपनी डरी हुई हरी आंखों से राय बहादुर की तरफ देखा और उनके मदद के लिए बढ़े हुए हाथ को देखकर ना में अपना सिर हिलाया। अपना हाथ वापस खींच लीजिए तेज, मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। पागल हो गई हो श्रावणी, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। मैं नहीं आ रही ऊपर, मुझे पता है कि मैंने फिर से कोई बहुत बड़ी गलती की है। उन आत्माओं ने मुझसे फिर से कोई गलत काम करवाया है और अगर मैं जिंदा रही तो ना जाने मैं कौन कौन से पाप कर बैठूं। इसलिए मैं जा रही हूँ। बापू से कहना कि उनकी लाडो छत से गिर गई। मैं हाथ छोड़ रही हूँ तेज। श्रावणी नहीं। क्या नादानी और दुख में लिया गया श्रावणी का ये फैसला वाकई में उसकी जान ले लेगा? क्या राय बहादुर उसकी जान बचा सकेंगे? क्या वो आत्माएं श्रावणी को मरने देंगे? आखिर क्या है राय बहादुर, श्रावणी और लाल रानी का रहस्य, और ये 100 आत्माएं हैं कौन? क्या राय बहादुर और श्रावणी की ये अनोखी कहानी शादी के मंडप तक पहुंचेगी, या राय बहादुर को खाली हाथ हुकुमपुर लौटना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।